Hello students, welcomes you again in SST Solution Point with your Anitha ma'am. This is the uh, part two video of Delhi Sultanate. In this video, we will cover two dynasties, Slave Dynasty and Khilji Dynasty. Earlier, I taught you about the Arab invasion, Muhammad Ghori, and we finished the part one with Muhammad Ghori. So we will start with Muhammad Ghori again. Muhammad Ghori uh, left India and went to, uh, went to Afghanistan and he gave his all kingdom his uh, slave. But uh, the name of the slave was Kutubuddin Abak. सो द स्लेव डस्टी बिगे दिस स्लेव कुबुद्दीन कुतुबुद्दीन एबक से हमारी स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है एंड मोहम्मद ये वही स्लेव है जिनको मोहम्मद गौवी गौरी जो थे परचेज करके लाए थे सो इस डायनेस्टी में हम मेजरली फोर रूलर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वही पॉपुलर हैं एक तो कुतुबुद्दीन एबक इतुतमिश रज़िया सुल्तान एंड बलबन ये फोर रूलर्स हैं इनके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे बाकी अदर रूलर्स जो हैं इम्पोर्टेंट नहीं है अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तो फर्स्ट हमने आ, हम एबक के बारे में ही पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन एबक अगर हम बात करें तो स्लेव फुल डायनेस्टी इलेवन रूलर्स ने कवर की थी उसमें से थ्री और फोर रूलर जो मेजर रहे हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि देखो इलेवन के इलेवन रूलर्स में से ओनली फोर ही रूलर ऐसे थे थ्री रूलर जो थे वो स्लेव थे थ्री रूलर तो कहा नहीं जा सकता कि भाई ये स्लेव डायनेस्टी सिर्फ इन थ्री रूलर्स के नाम से ही स्लेव इनको जाना गया इनको हम अनदर नेम से भी जानते हैं विच इज ममलोक डायनेस्टी दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज ममलोक डायनेस्टी सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद कुतुबुद्दीन एबक हु वाज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी स्लेव ऑफ गौरी and gori gori gave his all kingdom and went and went to afghanistan so the slave dynasty begin with the kutubuddin abak and actually kutubuddin abak was not the slave uh, with the, uh, with his uh, background he was a turk and but uh, ये एक्चुअली ये स्लेव के बाद स्लेव कई जगह इसको बेचा गया एंड लास्ट में जो गौ, गौरी ने इनको खरीदा क्योंकि इनमें बहुत क्वालिटी थी और जो पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी की फाइट हुई थी उसमें इन्होंने ऐबक ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था उसी की वजह से वो फाइट वो जीत पाए थे तो इस इनको जो गौरी थे बहुत ज्यादा मानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को एंड uh, मोहम्मद गोरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन एबक ने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर में एस्टेब्लिश की क्योंकि लाहौर एक ऐसा पॉइंट है बेटा वहाँ से सभी की एंट्री होती है तो वहीं उन्होंने वहाँ पे जितने भी ये मंगलूक रूलर्स ये, ये मुगल्स आए थे वहाँ ऑलमोस्ट लाहौर से ही एंट्री होती थी तो वहाँ वहीं पे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो एस्टेब्लिश की

स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी इनसे अलग दिल्ली में कुआत उल मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई थी इस्लाम मस्जिद कुआत उल इस्लाम मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी अजमेर में इन्होंने ढाई दा, दिन का झोपड़ा एक अच्छी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये मस्जिद है ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी मस्जिद से पहले ये एक मदरसा होता था बाद में ऐबक ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था तो एक्चुअली अगर हम बात करें इसकी कुतुब मीनार की कुतुब मीनार कुतुब दिन एहबक ने स्टार्ट कराई थी लेकिन बाद में इसको इतुत मिश ने कंप्लीट करवाया था देन इसका जो रूलर है ये 1210 तक इनकी इन 1210 में आके इनकी डेथ हो जाती है जब ये पोलो खेल रहे होते हैं तो वहां गिरने की वजह से इंजर हो जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है इनका रूल जो था 1206 से लेकर 1210 तक का माना जाता है आफ्टर हिज डेथ यानी कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद आराम शाह रूलर बने आराम शाह रूलर देखो इनके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो जो आराम शाह रूलर थे मतलब जो आराम आराम से रूल करके चला गया यानी इनका रूल लेस देन वन ईयर ही रहा होगा ज़्यादा इनका रूल नहीं रहा बिकॉज जो खलीफा और ये नोबल्स लोग थे ये इनको ज़्यादा लाइक नहीं करते थे तो इनके अगेंस्ट प्लानिंग होने लगी देन दे इनवाइटेड uh, इल्तुतमिश इल्तुतमिश को इन्होंने इन्वाइट uh, किया ताकि वो आराम शाह की जगह को ले लें और इल्तुतमिश जो थे द, वो भी uh, स्लेव भी थे एंड वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सनी लो थे तो उनसे जो थे नोबल्स ये खलीफा लोग खुश रहते थे और इन्होंने इतुतमिश को इन्वाइट किया कि वो आराम शाह को रिप्लेस कर दे रिप्लेस करने के लिए एंड उन्होंने आराम शोक आराम शाह के साथ उनकी फाइट हुई उन्होंने उसको मार दिया और अपना रूल एस्टेब्लिश किया यहाँ से हम इल्तुतमिश का रूल स्टार्ट कर देते हैं इल्तुतमिश का रूल 1210 से 1236 तक का माना जाता है ये भी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एज वेल एज ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुब एबक एंड मोर ओवर ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु टेकन द परमिशन ऑफ खलीफाज टू बिकम ए किंग क्योंकि जो इनसे पहले जो किंगडम रहे हैं जितने भी जो हमने मोहम्मद गोरी का पूछा देखा कुतुब्दीन ऐबक का देखा कुतुब्दीन ऐबक जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे वो खलीफा नॉवल्स इन लोगों के उसमें नहीं आते थे एंड कभी से ये हिस्ट्री में रूल रहा है कि नोबल्स एंड खलीफा से ही परमिशन लेके कोई भी जो राजा होता है वो अपना किंगडम एस्टेब्लिश करता था लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया ये जो रिचुअल था ये इलतुतमिश ने सेम फॉलो किया और इन इन्होंने क्योंकि इनवाइट ही ये उनके द्वारा किए गए थे तो ऑब्वियसली वो उनकी परमिशन लेंगे तो ये उनको खुश रखते थे इल्तुतमिश से जो खलीफा ये सब रहते थे अमीर लोग जो थे इनसे काफी खुश रहते थे एंड इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो पहले रूलर थे जो जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था फर्स्ट टाइम जब दिल्ली कैपिटल बनी थी तो वो इल्तुतमिश के लिए ही बनी थी यानी इल्तुतमिश ने ही उसको बनाया था और इन्होंने न न, आ, कुछ अलग काम भी किए जैसे इन्होंने एकता सिस्टम स्टार्ट किया एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस हिम ओनली इन विच की uh, जो लैंड थे लैंड वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन द लोड्स एंड देन दे हैव टू पे देयर द टैक्सेस ऑफ दैट लैंड विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द किंग तो जो राजाओं के द्वारा इनको जमींदारों को जमीनें दी जाती थी देन राजा उन जमीनों से टैक्स लेता था ये इकता सिस्टम होता था इसमें की जमीनों के बदले में टैक्स जमींदार लोग राजा को भुगतान करते थे एंड इन्होंने सबसे जो पॉपुलर थिंग रही है इल्तुतमिश की वो थी ग्रुप ऑफ फोर्टीज़ इन्होंने एक ग्रुप बनाया स्लेव्स का जो ग्रुप था यानी इन्होंने फोर्टीज स्लेव्स का जो कि बहुत ब्रेव और स्ट्रांग स्लेव होते थे उनका एक ग्रुप बनाया था जो कि इनके किंगडम को ओवरऑल प्रोटेक्ट करते थे मंगोल से एंड एनिमी से जो इनके क्योंकि इनके एनिमीज काफी रहे हैं क्योंकि इन्होंने आराम शाह की डेथ की को मारा था किल्ड किया था तो उनके जो फॉलोवर्स होते थे वो इनके एनिमीज रहते थे एंड मंगोल्स तो थे ही सबके रूलर्स में मंगोल्स इन्वेडर्स होते थे एक्चुअल जो सिर्फ इन्वेड करने का काम करते थे वो किसी भी किंगडम में आते लूटपाट मचाते मारकाट करते और वो वहां से चले जाते थे उनका मोटिव ये नहीं था कि वो वहां पर किंगडम एस्टेब्लिश करने आए है वो सिर्फ आते लूट मचाते थे और चले जाते थे इनसे हर हर राजा को

तो मंगोल मंगोल्स का आक्रमण इन्वेड फर्स्ट टाइम अल्तुतमिश के रूल में ही हुआ इंडिया में वो आए इल्तुतमिश के रूल में ही फर्स्ट टाइम मंगोल्स इधर आए थे उसके बाद तो इनकी सीरीज स्टार्ट हो जाती है वो हर रूलर के टाइम पे आएंगे इन्वेड करेंगे और चले जाएंगे तो पहला जो मंगोल रूल यहाँ पे मंगोल इन्वेड हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान ने किया था तो ये भी इनका एक अलग है जो फर्स्ट टाइम हुआ था अब यहाँ इत्युत मिश्र का डेथ नाइन नजदीक आ रहा है तो उन्होंने क्या किया कि वो बड़े मतलब खुले विचारों के थे यानी ये कह सकते हैं उनमें मॉडर्न थे थे दिमाग से वो बचपन से ही अपनी उनकी बेटी थी रज़िया उनको उसको देखते थे और दे, उनकी क्वालिटीज़ को उन, उन्होंने अच्छे से देखा हुआ था उनको लग रहा था ये बात कि उनकी जो बेटी रज़िया है वो अच्छे से रूल करेगी इंस्टीड ऑफ देयर सन तो उन्होंने अपने रूल में ही रज़िया को जो था डर कर दिया था नेक्स्ट सक्सेसर अपना बट जैसे ही इनकी डेथ होती है तो इनका जो बेटा होता है रुकमुद्दीन फिरोज वो राजा बन जाता है वो अपने आप को जो था किंग डिक्लेयर कर देता है लेकिन वो एक कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था उसमें बहुत सारी कमियां थी जो आ, उलेमा वगैरह लोग लो थे वो इससे ज्यादा खुश नहीं थे तो वो अवलेमाज ये खलीफा ये नोबल्स वग़ैरह जो होते हैं वो इनसे ज़्यादा खुश नहीं थे रुकनद्दीन फिरोज से तो इनकी ही बहन थी रज़िया देन रज़िया राजा बन जाती है ये ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाते उसके बाद रज़िया बन जाती है नेक्स्ट रूलर यहाँ से रज़िया का रूल स्टार्ट हो जाता है जो 1236 से 1240 तक रज़िया का रूल रहता है सिर्फ चार ही साल वो रूल कर पाती है जो कि पूरा फोर के फोर ईयर जो थे उनकी लाइफ के में स्ट्रगल से भरे हुए थे तो इनकी आ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फर्स्ट क्या है ये फर्स्ट फीमेल रूलर मुस्लिम रूलर थी आ, इंडिया की जो रज़िया थी फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी एंड उन्होंने क्या किया था वो उसने रूल बिल्कुल जस्ट लाइक ए मैन वो ड्रेस सेंस मैन की तरह आती थी फाइट वगैरह करती थी लेकिन उनका पूरा जो रूल स्टार्ट हो जाता है तब से वो एक आदमी आदमियों की तरह पहनावा पहन के रूल कर करना स्टार्ट कर देती है जो कि ये चीजें जो थी वहाँ के खलीफाज को पसंद नहीं आती है जो उसके धीरे धीरे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं वो नहीं चाहते कि एक फीमेल उनके ऊपर रूल करें देन इनके एक आ, स्लेव होते हैं याकूत नाम से जिनके साथ जिन, जिनके साथ इनके काफी करीबी रिलेशन बताए जाते हैं एंड इनको ये आगे याकूत को अच्छी पोस्ट भी दे देती हैं जिनसे कि जो खलीफा से वो और भी नाराज हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट याकूत और रजिया के अगेंस्ट वो लोग प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं देन दे कोड अलतुनिया किंग अल्तुनिया को बुलाते हैं टू किल द याकूत एंड वो अल्तुनिया जो होते हैं याकूत को को मार देते हैं एंड रजिया को वो uh, अपना बंदी बना देते हैं डेली से दूर ले जाते हैं रजिया को देन रजिया जब वहाँ पे बंदी बन जाती है तो वो सोचती है कि उसको अपना किंगडम वापस पाना था उनके एम यही होता है तो रजिया इस सिचुएशन में अल्तुनिया से मैरिज कर लेती है अपने किंगडम को वापस लेने के लिए देन अल्तुनिया और आ, रजिया जब वापस दिल्ली आ रहे होते हैं तो रास्ते में जो होते हैं कुछ हिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा आ, आ, क्लियर नहीं है सिचुएशन कि उनको डाकुओं ने मारा या फिर बैरम खान इनके अगेंस्ट चल रहा था काफ़ी टाइम से खलीफाज के साथ मिल के वो प्लोटिंग कर रहा था ये भी रजिया का एक भाई था बैरम शाह के नाम से तो वो भी बैरम खां हाँ बैरम खां था तो वो भी इनके अगेंस्ट प्लो, प्लोटिंग स्टार था तो यहाँ पे ये चीज़ ट्वेल्व में रज़िया और अलतुनियातनिया को रास्ते में जब वो दिल्ली लौट रहे होते हैं अपने किंगडम को वापस लेने के लिए उनको वहाँ पे मार दिया जाता है ये चीज़ हिस्ट्री में क्लियर नहीं है कि वो डाकू मारते हैं उनको या फिर बैरम खां के भेजे हुए आदमी मारते हैं तो यहाँ तक रज़िया का रूल होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था वो बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था आफ्टर दिस बलबन यहाँ पे आ जाते हैं बलबन बलबन का रूल काफी स्ट्रोंग रहता है और ये स्टार्ट होता है 1266 से 1287 तक इनका फुल नेम था गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबल क्या करते हैं इनकी ये अपनी डॉटर की मैरिज नसरुद्दीन मोहम्मद से कर देते हैं जो कि आगे इनके बहरम शाह के सक्सेसर्स होते हैं वो उनसे इनकी शादी कर देते हैं बाद में ये अपने सन इन लोग को ही खुद मार देते हैं और यहाँ पे राजा बन जाते हैं 1266 में ये यहाँ पे बन जाते हैं ये जो फोर्टी का जो थी फोर्टीज जो ग्रुप बनाया था इतुत मिश ने ये उनमें से एक मेंबर होते हैं बलवंत जो होते हैं फोर्टीज ग्रुप के एक मेंबर होते हैं और आगे जाके वो अपनी बेटी की शादी एक राजा से कर देते हैं और राजा उसको मार के वो फिर खुद एकदम राजा बन जाते हैं ये इनके बलवंत की एक बैकग्राउंड थी अब ये क्या क्या करते हैं किंगडम में वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में ये क्या करते हैं कि कोई भी अगेंस्ट अगर वो जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं अगर कोई भी खलीफा या कोई भी इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो उसको उसी टाइम पनिशमेंट दे, दे देंगे उसी टाइम उसका सर अलग कर देंगे तो ये उनकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी कि जो कि बहुत क्रूअल थी जिसने ऑलमोस्ट खलीफाज के जो प्लॉटिंग uh, चल रही थी ये सब कर रहे थे वो वो सब दबा दिए थे वो सब इनसे डरने लगे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये भी और ये अपने आप को गोड मैसेंजर यानी गोड के एक आ, कह देते हैं ईश्वर का एक भेजा हुआ प्रतिनिधि मानते हैं डिक्लेयर कर देते हैं और जो फोटीज का जो ग्रुप इतने लंबे टाइम थे इलतुकमेश ने बनाया था वो भी ये रिमूव कर देते हैं एंड ये सजदा की एक आ, रिचुअल है वो स्टार्ट कर देते हैं अपने किंगडम में सजदा में जिसमें कि जो भी राजा से मिलता है वो राजा का सजदा करता है एक तरह से उनको नमन करता है तो ये सजदा की प्रथा इन्होंने इसलिए स्टार्ट की थी ताकि लोग उनसे झुक के बात करें लोग उनके सामने बहु के बात ना करें जिनसे उनकी स्ट्रांगनेस बनी रहे दूसरा इन आमिर खुसरो और आमिर हसन जो इनके उसमें बहुत अच्छे वो थे नी के रूल में आए थे अच्छा लिखते थे ये एक सूफी सिंगर थे पोइट थे तो काफी दोनों ये अच्छे थे इनके ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे अमीर खुसरो जो थे जो किसके किंगडम में आए थे ये बलबन के किंगडम में आए थे बलबन के बाद ऑलमोस्ट जो थी ये स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होने लग जाती है इसके बाद काकूबर आते हैं काकूबर बलबन के सक्सेसर होते हैं आगे वीक सक्सेसर होने की वजह होने की वजह से जो स्लेव डायनेस्टी थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो है हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है स्लेव डायनेस्टी के बाद स्लेव डायनेस्टी में बलबन के ग्रैंडसन जो होते हैं कायतबाद तो होते हैं इनका मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ खिलजी डायनेस्टी को चांस मिल जाता है ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटीन ए नाइन्टी एडी में अपना रूल एस्टेब्लिश करने का जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हो जो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है ये पूरा खिलजी डायनेस्टी द्वारा कवर किया हुआ है ये अलाउद्दीन खिलजी के में इसका इस अ, कवर करने में इनका ज्यादा रोल अलाउद्दीन खिलजी का था तो फर्स्ट जो इनके खिलजी डायनेस्टी के रूलर होते हैं वो तो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का जो रोल ये रूल है 1290 से 96 सिक्स ए डी तक रहता है ज़्यादा टाइम ये रूल नहीं कर पाते क्योंकि ये एक तो इनकी एज भी काफ़ी होती है 70 ईयर्स के लगभग होते हैं ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जो इतनी एज में राजा बने थे तो एम्बिशंस नहीं थे ज़्यादा इनके नेफ्यू थे जो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी इनकी डॉटर से मैरिज कर लेते हैं यानी ये अलाउद्दीन खिलजी इनके नेफ्यू ही इनके सन इन लॉ बन जाते हैं बट वो बहुत एम्बिशंस थे बाद में वो जलालुद्दीन को ही मार के जो थ्रोन है उसको कैप्चर कर लेते हैं एंड खुद आ, अपना रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का रूल स्टार्ट होता है जो कि 1296 से 1316 एडी तक चलता है ये बहुत एम्बिश राजा थे पूरे इनको नॉर्दर्न में नॉर्थ पार्ट को कंट्रोल करने का इनकी का, इनको काफ़ी लगन था कि ये नॉर्थ पार्ट में ही ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था कहने के लिए तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो अलाउद्दीन खिलजी थे क्योंकि ये इस तरह से राजा बने कि इन्होंने जलालुद्दीन को मारा तो इस इस वजह से जो वहाँ के खलीफा थे जो अमीर लोग थे एंड जो इनके कुछ रिश्तेदार भी थे वो सब इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और इनके अगेंस्ट वो लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उनके रिवोल्ट को जो वो रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं उनके रिवोल्ट को दबाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं अदर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ भी इनकी बहुत अच्छी रही हैं ऊपर से अगर हम मिलिट्री की इनकी पॉलिसी देखेंगे तो वो भी काफ़ी है। अच्छी हैं लेट स्टार्ट अलाउद्दीन खिलजी के आ, रूल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल था वो एक एमिनशंस राजा थे जैसे कि हमने बताया है इन्होंने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर डिक्लेयर कर दिया था सेकंड अलेक्जेंडर अपने आप को क्योंकि ये चाहते थे अलेक्जेंडर बनना इनका ड्रीम था अलेक्जेंडर बनना इन्होंने गुजरात मालवा इन पार्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया था बाद में रणथंबोर एंड देन चित्तौड़ इन मेवाड़ में जब ये चित्तौड़ में जाते हैं तो यहाँ उनकी रानी पद्मिनी के साथ इनका इनकी मीटिंग होती है उसके बाद ये उस उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे शादी करने के लिए ऑफर करते हैं लेकिन रानी जैसा कि आपने ये देखा ही हुआ है ये सब मूवी में पद्मावती मूवी में जो था जौहर की प्रथा भी यहाँ पे होती है इनके अगेंस्ट ही होती है क्योंकि ये उनके हस्बैंड को मार देते हैं और रानी को लेने के लिए आ रहे थे तो रानी वहाँ पे जौहर कर लेती है जोहर बेटा वो होता है जिसमें कि एक बहुत बड़ा कुंड बनाया जाता है उसमें आग जला के जो भी विरोधी राजा से बचने के लिए रानी अपने आप को बन कर लेती हैं उस आग में ही जल जाती हैं इसे हम जौहर कहते हैं तो राजस्थान में ये रिचुअल होता था जब भी कोई राजा हार जाता था तो उनकी रानियां जो भी होती थी वो किसी और के हाथों में ना अपने आप को ना दें इससे पहले वो अपने आप को मार देती जोहर कर लेती थी तो ये बहुत ही क्रूशल था एंड देन इन ये कुछ और रूल पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि नॉबल्स के को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं यानी कोई भी नॉबल्स इकट्ठे नहीं होंगे आपस में मीटिंग नहीं करेंगे लिकर पे ये पूरी तरह से बैन लगा देते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको उन अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी उनको ये पता था कि ये जितनी बार मीटिंग करते हैं बैठते हैं इनके आपस में रिलेशन्स हैं मैरिज रिलेशन्स हैं तो उतनी बार ही ये रिवोल्ट करते हैं तो उन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया उनकी मीटिंग्स उनके आपस के जो रिलेशंस थे वो ख़त्म करे उन पर कंट्रोल करवा यानी पूरा पूरा अदर हम कह सकते हैं कि इनके जो मिलिट्री मिलिट्री में भी इन्होंने काफ़ी चेंज किए थे इन्होंने दो टैक्सेस भी लगाए हाउसिंग टैक्स एंड ग्रेजिंग टैक्स ये दो नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें कि पहली बार ये किसी राजा ने बनाया लगाए थे हाउस पे टैक्स और एनिमल्स की ग्रेजिंग पे टैक्स इन्होंने लगाया था इनके आर्मी चेंज की अगर हम बात करें तो इनके आर्मी में इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी यानी एक परमानेंट आर्मी एस्टेब्लिश की थी उससे पहले लो, जो भी राजा होते थे वो सरदारों के थ्रू आर्मी को बुलाते थे जो भी उनको युद्ध करना था लेकिन इन्होंने अपनी खुद की आर्मी प्रिपेयर की ताकि वो अप एक तो अपनी कंट्री में ही पीस बनाए अपने अगेंस्ट जितने भी रिवोल्ट हो रहे हैं उनको दबाएं एंड दूसरे मंगोलों से प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर अपने जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी एक पूरी आर्मी प्रिपेयर की और आर्मी में बहुत सारे इन्होंने सुधार किए जैसे कि एक तो परमानेंट आर्मी लगाई उसमें कि मंथली वेजेस पे लोग उनको सोल्जर्स को लिया जाता था उनको सैलरी दी जाती थी प्रॉपर तरीके से उनको उनको उनका जो सिलेक्शन होता था उनका पूरा हुलिया आ, डिस्क्राइब किया जाता था अच्छे अच्छे ऑफिसर्स या खुद राजा ही उनको उनको सेलेक्ट करते थे उनको सिलेक्शन का जो पर, प्रोसीजर था सोल्जर्स के आर्मी के मिनिस्टर डायरेक्ट रिक्रूट करते थे सोल्जर्स को तो यहाँ पे इन्होंने दो नए लॉज जो थे इंट्रोड्यूस कराए एक तो सिस्टम थे हुलिया एंड दाग हुलिया में क्या होता था कि सोल्जर्स का पूरा हुलिया लिखा जाता था जब उनका सिलेक्शन होता था एंड दाग का सिस्टम इन्होंने आ, ये इंट्रोड्यूस करवाया था हॉर्स की हॉर्स की ब्रांडिंग के लिए यानी ये हॉर्स पे एक तरह से मोहर लगा दी जाती थी ताकि ये पता चल जाए कि सरदार की कौन कौन से यानी उनकी उनकी ब्रांड करने के लिए दाग सिस्टम नया स्टार्ट किया था ताकि घोड़ों की पहचान हो सके नेक्स्ट यहां पे आता है रोल ऑफ मलिक का, काफूर। मलिक का, का, काफूर ये एक बेटा ये एक स्लेव होता था जिसको कि हजार दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने ख़रीदा था जिसके बारे में बहुत फेमस जो कि बहुत फेमस बताया गया इसके बारे में काफ़ी फेमस बातें थे कि ये बहुत ही शातिर है चलाक है और माइंडेड पर्सन है यानी इस इसलिए हजारी के नाम से भी इनको जाना गया क्योंकि एक हज़ार दिनार दे के थाउजेंड दिनार दे के इनको ख़रीदा गया था और ये काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल भी रहा उनके लिए क्योंकि जो इनका हम नॉर्दर्न पार्ट था जिन जिस पे अलाउद्दीन खिलजी अपना कंट्रोल करना चाहते थे वहाँ पे मलिक काफूर की काफ़ी अच्छी पकड़ थी यानी वो वाकिफ़ थे वो उस एरिया से और उन्होंने वहाँ उसकी उनकी बहुत हेल्प भी की यानी अलाउद्दीन खिलजी की मलिक काफूर ने और खलीफा के अगेंस्ट तो मैंने आपको बताया ही है कि इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए जो कि नॉबल्स को ख़लीफाज को के रिवोल्ट को दबाने के लिए एंड इन्होंने आर्मी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी किए जैसे इन्होंने जो ये राशनिंग सिस्टम था और डिस्ट्रीब्यूश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये सिर्फ आर्मी को कि आर्मी जो चीज़ें खरीदती हैं उनका ज़्यादा खर्चा ना हो सके उन्होंने पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया था ना तो वो इतना ब, मतलब कहने का मतलब है जो मार्केट रेट होते हैं वो कभी नहीं बढ़ेंगे आर्मी पर्सन के लिए स्पेशल मार्केट बनाई गई तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ज़बरदस्त रूल्स थे कुछ जिनके बारे में हमें अब आप, अभी आप आपने पढ़ा देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी डायनेस्टी की नेक्स्ट देखो फर्स्ट हमारे रहे थे जला, जलालुद्दीन खिलजी जो कि फ़ाउंडर माने जाते हैं उन उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी देन मुबारक शाह बनते हैं एंड मुबारक शाह जो कि कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते इनको एक पागल नवाब भी बोला गया था मुबारक शाह को क्योंकि ये, आ, सोचते कुछ थे करते कुछ थे इस तरह से ये बहुत डिस्टर्ब से रहते थे इसलिए इनको मेंटली डिस्टर्ब भी बताया गया था कि इसलिए वो ज़्यादा चल भी नहीं पाए उसके बाद खुसरो बनते हैं खुसरो खान यहाँ इसके खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं और बेटा यहाँ से खिलजी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में करवाऊंगी सो स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज बहुत मेहनत की है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक यू वेरी मच